गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, नो योर बॉडी पार्ट्स। इसने पढ़ लिया है वो वापस रिवाइज करें और बाकी सब अच्छे से इसे रीड करें। देखिए, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंग। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। हमें ये बॉय के जो एरोस से निशान लगे हुए हैं उनके बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ देम। हमें इन सभी के बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं और ये कौन सा काम कर सकते हैं वो लिखना है। तो आपको बच्चों ये बुक में फिल करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो इसे कॉपी में साफ हैंड राइटिंग में लिखेंगे। जस्ट लाइक अ मशीन आर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। मशीन की तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ये सभी पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि सभी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। कैन यू नेम द पार्ट्स यूज फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या आप इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी इस इमेज में हो रहा है आप नेम लिख सकते हैं कि ये कौन से बॉडी पार्ट से हो रहा है? देखिए, फर्स्ट में लेग्स यूज़ हो रहे हैं क्योंकि वो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। वो गर्ल क्या कर रही है? बॉल से खेल रही है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? हैंड्स। ठीक है बच्चों, और वो बच्ची बुक रीडिंग कर रही है तो वो आईज से कर रही है। एंड लास्ट बच्ची, वो गर्ल गाने सुन रही है तो मतलब उसमें यूज़ हो रहे हैं ईयर्स। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गेन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेम सम ऑफ योर एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। आपके कुछ एक्सटर्नल ऑर्गेन्स जो आपकी बॉडी में जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके नेम लिखने हैं, जैसे आईज, ईयर्स, माउथ, शोल्डर, नेक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। आर लेग्स एंड टोज हेल्प अस टू वॉक, रन, डांस, जंप, हॉप एंड स्टैंड स्ट्रेट। हमारे जो लेग्स हैं वो किस यूज़ में लिए जाते हैं और ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। किस यूज़ में लिए जाते हैं? वॉक, चलने, रन, भागने, डांस करने, जंप, कूदने के लिए, हॉप एंड स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े होने के लिए। आर आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू क्लैप। हमारी जो भुजाएं या हाथ हैं वो किस यूज़ में लिए जाते हैं? क्लैप, ताली बजाने, राइट, लिखने, होल्ड थिंग्स, चीज़ें पकड़ने, ड्रॉ एंड पुश, और ड्राइंग करने के लिए, और किसी चीज़ को पुश, धक्का देने के लिए भी। आर नेक हेल्प्स, सॉरी, आर माउथ हेल्प्स अस टू ईट एंड ड्रिंक। और जो हमारा माउथ है वो खाने और पीने में हमारी हेल्प करता है। टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड। जो हमारा टीथ यानी कि हमारे दांत हैं वो किस यूज़ में लिए जाते हैं? खाना चबाने के लिए। आर नेक हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द हेड अप डाउन साइड टू साइड। हमारी जो नेक यानी कि गर्दन है वो किस यूज़ में ली जाती है? इधर उधर देखने के लिए, अप डाउन, ऊपर नीचे, साइड टू साइड, इधर से उधर। वी कैरी आर बैग ऑन आर शोल्डर्स, आर बैग हेल्प्स अस टू ट्विस्ट एंड बेंड। हमारी जो शोल्डर्स हैं वो हमारे बैग को कैरी करते हैं। हम बैग किस में पहनते हैं? अपने शोल्डर यानी कि कंधे में। आर बैग हेल्प अस टू ट्विस्ट एंड बेंड। हमारी जो कमर है वो ट्विस्ट यानी कि घूमने और बैठने के लिए यूज़ में ली जाती है, जिनसे हम बेंड यानी कि झुक पाते हैं। सेंस ऑर्गेन्स। अब सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? ये तो थे सारे एक्सटर्नल ऑर्गेन्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब सेंस ऑर्गेन्स होते हैं द ऑर्गेन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ऐसे ऑर्गेन्स जिन्हें हम अपने संसार को चारों ओर देख पाते हैं, कैसे? आर कॉल्ड आर सेंस ऑर्गेन्स। लेट अस रीड अबाउट देम।
जिनके होने से हमें चारों तरफ की एक्टिविटीज़ का पता लगता है, वो होते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, फर्स्ट इज़ आई कैन सी द ग्रास ग्रो, मैं ग्रीन हरी घास को देख सकता हूँ। द ब्राइट स्टार्स, चमकीले सितारे। द शाइनिंग मून, चमकता हुआ चंद्रमा। आई कैन सी द वाइट स्नो, मैं सफ़ेद बर्फ़ को भी देख सकता हूँ। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। और हम ये सब किस चीज़ किन चीज़ों से देख सकते हैं, किस ऑर्गन से देख सकते हैं? आइज। ठीक है बच्चों, तो हमें याद रखना है सेंस ऑर्गन्स में कौन सा फर्स्ट है, आइज। सेकेंड, आई कैन टेस्ट द एप्पल, आई कैन टेस्ट द फ्रेश पाइन एप्पल, मैं एप्पल को भी टेस्ट कर सकता हूँ और फ्रेश यानी कि ताज़ा पाइन एप्पल को भी। द चॉकलेट बार, द क्रीम केक, चॉकलेट को भी टेस्ट कर सकता हूँ और क्रीम वाले केक को भी। विच द बेकर हैज़ जस्ट बेक्ड, जो कि बेकर यानी कि केक बनाने वाले ने जस्ट बनाया है फ्रेश। और ये सारी चीज़ें हम किन से टेस्ट करते हैं, हमारी टंग से। ठीक है बच्चों, तो सेकंड सेंस ऑर्गन है टंग। तो आज हम इन दोनों को ही लर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको करना है बुक में ये वर्क फिल, और जिसके पास बुक नहीं है वो इसे कॉपी में लिखेगा। ठीक है बच्चों, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।